गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने लाए हैं शक्ति की स्मार्ट डिवाइस। और हमारे कुछ वीडियो में कुछ लोग दोस्तों ने कमेंट किए थे कि सर आप एसी और डीसी करना बताइए इसके, कि एसी डीसी कैसे होगा। तो आइए आज हम आपको हम बताते हैं इसमें एसी डीसी कहाँ पे आता है। और वीडियो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपका काम होता है या नहीं होता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर हमसे कोई भी हेल्प होगी तो ज़रूर करेंगे आपकी। तो सबसे पहले हम जाएंगे, एंटर दबाएंगे इसका। तो हमने इसमें आना है कंट्रोल से, नीचे आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है और ये प्रोटेक्शन में जाना है। एक मिनट, प्रोटेक्शन के अलावा भी इसमें लास्ट में फैक्ट्री सेटअप, ये फैक्ट्री सेटअप में जाना है आपको। और इसका पासवर्ड है 8 8 4 4 और 3। इसमें आपको ये एस्केप से बाहर आता है, ये अप डाउन के हैं और ये एंटर के हैं। अगर आप कुछ भी करोगे तो एंटर, अगर आपको समझ में नहीं आए कुछ तो आप फालतू ना छेड़े। ये मोटर पैरामीटर्स में जाएंगे, एंटर करें। ये हमने इंडक्शन मोटर सेलेक्ट कर रखी है। पंप पैरामीटर्स आ गए इसके, कंट्रोल पैरामीटर्स आ गए, इसमें जाएंगे। ये स्पीड आ गई, इसमें आएगा करंट टाइप, अब हम वापस ब्रेक आ गए हैं। ये आपके जो इंडक्शन आ रहा है इस पे एंटर करेंगे। अब इसमें आप जैसे इसकी सेटिंग आएगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग करनी है, पावर रेटेड पावर और रेटेड वोल्टेज, रेटेड फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ पोल्स, रेटेड करंट। जी रेटेड करंट आ रहा है इसी में है, नहीं सर इसमें नहीं है। स्टार्ट टाइम, स्टॉप टाइम, ये कंट्रोल टाइप्स इसमें आ रहे हैं। वह ये स्केलर और वोक्टर, ये ही एसी और डीसी है। स्केलर का मतलब होता है एसी और वोक्टर का मतलब होता है डीसी। ये भी हमारे भी बहुत दिक्कत आई थी, तो हमने किसी से बात करके और उन्होंने बताया कि स्केलर का मतलब होता है सीधा और वोक्टर का मतलब होता है अप डाउन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी चलती है, उस हिसाब से हमने सेट किया है इसको। आप भी ये करके देख ले, इसी से एसी और डीसी का पता चलता है कि एसी है या डीसी है वोल्टेज। अब बाहर आ जाएंगे, बंद कर। ये हम बाहर आके मोटर स्टार्ट कर दी हमने, और ये देखिए ये वोल्टेज आ गए और ये हमारा करंट ले रही है मोटर। और हमने 7.5 HP पे 2 HP की मोटर चला रहे हैं। और आप भी अगर ऐसा करना चाह रहे हो तो हमारी जो वीडियो है पहले की वो आप देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके समझ में नहीं आता हो और आप इस लाइन में नए हो या जानते नहीं हो तो कृपया इसको ना छेड़े, क्योंकि इससे कई बार बिगड़ भी जाता है, क्योंकि हम भी कई बार परेशान हुए हुए हैं। जब हमारी भी सेटिंग ख़राब हो जाती है तो हमारे को बहुत टाइम लग जाता है वापस से सेट करने के लिए। तो अगर आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन पे जाइए
वहाँ पे आपको हमारी दूसरी सेटिंग्स की वीडियो मिल जाएगी कि 2 HP की मोटर आप कैसे चलाए और कैसे इसकी सेटिंग करें। हमने करीब करीब सारी वीडियो डाल रखी है, और वीडियो कैसी लगी है लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपका काम हमारी वीडियो से हुआ या नहीं हुआ,